हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेकर आ गए हूँ नई अमेजिंग नॉलेज के साथ। आप देख रहे हो बस एक ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वॉल्केनोज मोस्टली जो है अभी तक जैसा मैंने रिसर्च करा है करीब 1500 एक्टिव वॉल्केनोज जो है जो कि लैंड पर पाए जाते हैं एंड काफी सारे जो है वो है डीप इनसाइड द ओशन जिनका कुछ अभी नंबर पता नहीं है। ऐसा वॉल्केनोज मोस्टली कहाँ पर होते हैं तो ये जहाँ पर हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मिलते हैं और जहाँ पर वो खत्म होते हैं ना वहाँ पर जो है मोस्टली वॉल्केनोज पाए जाते हैं। वॉल्केनोज के टाइप्स के बारे में तो 4 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें फर्स्ट होता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो काफी ऊंचा पहाड़ होता है और मतलब कोन टाइप का निकला होता है ये, ठीक है। सेकंड जो होता है शील्ड वॉल्केनो जो होते हैं, ये थोड़े छोटे पहाड़ होते हैं, थोड़े कम हाइट होती है इनकी। और थर्ड जो होते हैं वो एक कॉल्डेरा वॉल्केनो होते हैं, ये भी काफी बड़े होते हैं और इनका जो माउथ होता है ना वो काफी बड़ा होता है, ओपन माउथ इनका काफी बड़ा होता है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो होता है मिड ओशन रिजेस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि ओशंस के अंदर पाए जाते हैं ना वॉल्केनो, उनको बोलते हैं मिड ओशन रिजेस। जी, वॉल्केनिक इरप्शंस होते क्यों हैं? तो गाइस, इसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि अर्थ का डीप इनसाइड जो कोर है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, लाइक सन, ठीक है। और जब वो गर्म होता है तो रॉकी मेंटल के जो है रॉक्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये मैग्मा होता है ये अपने सराउंडेड रॉक्स से काफी लाइटर होता है, तो ये इस तरीके का अपना प्रेशर बनाता है कि ये बाहर आ सके। तो ये इसी वजह से अर्थ के लेयर बाय लेयर क्रॉस करता रहता है और इसी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। अब अगर बात करें मैग्मा के बारे में तो मैग्मा को दूसरा लावा भी कहा जाता है और इसका टेम्परेचर करीब 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर सकता है। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है और इस टाइम पे काफी ज्यादा जो है हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल डस्ट, हार्मफुल जो है सब्सटेंसेस काफी ज्यादा जो है वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आ जाते हैं और तबाही कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है बहुत ज्यादा। वॉल्केनिक इरप्शन को मेजर करने के लिए एक VEI स्केल होता है जिसका फुल फॉर्म है वॉल्केनिक इरप्शन इंडेक्स, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है 0 से और अभी तक इसका कोई एंड नंबर नहीं आया है, बट हर एक वॉल्केनो जो है फर्स्ट अगर VEI 1 है और VEI 2 पर अगर वॉल्केनो को जो है काउंट करना है तो नंबर 1 से वो 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है VEI 2। अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन जहां हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में 1815 में, जिसका VEI स्केल था 7 और इसने बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करा था। और इवन ये इतना बड़ा था कि माउंट तंबोरा, जिस माउंटेन के साथ ये हुआ था, वो माउंट तंबोरा एक खुद स्ट्रेटो वॉल्केनो था, यानी एक खड़ा पहाड़ जितनी हाइट थी और वो उसको भी ऐसा तबाह कर दिया इसने कि वो माउंट कॉल्डेरा में चेंज हो गया, जिसका ओपन माउथ वाला जो वॉल्केनोज होते हैं उसमें वो चेंज हो गया। मतलब इसके टॉप को भी, जो माउंटेन का टॉप पार्ट था वो तक भी जो है वो खत्म हो गया था इस वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद। तो ये थी कुछ अमेजिंग नॉलेज वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। आप देख रहे थे अमर सिंह ब्लॉग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अमेजिंग नॉलेज के साथ। बाय बाय।